Good morning everyone. I hope you all are fine. So next we have to discuss about the activity number 3.5. Activity 3.5 is very simple activity. In this activity what you have to do, you have to collect the different pieces of different types of silk cloth. आपको अलग अलग टाइप के जो सिल्क क्लोथ होते हैं उनके छोटे छोटे पीसेस जो है वो कलेक्ट करने हैं। ये आप कहाँ से कर सकते हो? जो आपका टेलर की जो शॉप होती है वहां पर जो हीप ऑफ क्लोथ होता है वेस्ट क्लोथ्स, वहां से ही आपको मिल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। इन सभी पीसेस को अपनी स्क्रैप बुक में आपको पेस्ट करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क। ये कौन सी टाइप का सिल्क है, इरी सिल्क है, मलबेरी सिल्क है, मूगा सिल्क है, ये कौन सी टाइप का सिल्क है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके नीचे आपको लिखना है। और इसके लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हो, आप अपनी मदर की, अपनी आंट की हेल्प ले सकते हो, वो आपको बता सकते हैं कि ये कौन सी टाइप का सिल्क है, या फिर आप जो जिस टेलर की शॉप से आपने इनको कलेक्ट किया है आप वहां से उस टेलर की हेल्प ले सकते हो। After that you have to compare these silk with the artificial silk. ये जो silk cloth, जो silk pieces आपको मिले हैं इनको आपको compare करना है artificial silk के साथ। Artificial silk के साथ कैसे compare करना है, you have to just find out the texture of these types of silk. किस तरह का texture है, artificial silk कैसा दिखाई देता है, किस में ज्यादा luster है, ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज आपको फाइंड आउट करनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई एंड कलेक्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर प्रोवाइड दीज टाइप ऑफ सिल्क। आपको उस कैटरपिलर की, उन सिल्क मॉथ की पिक्चर जो है वो कलेक्ट करनी है जिनसे इस टाइप के सिल्क जो है वो बने हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एक्टिविटी नंबर 3.5। Now next we have to discuss about the activity number 3.6. In this activity what you have to do, you have to just take an artificial silk or a pure silk thread. आपको करना क्या है, सबसे पहले एक artificial silk fiber का thread लेना है और एक जो pure silk है आपका वो thread लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, burn these carefully. इन दोनों को burn करना है and you have to notice the smell of these while burning. आपको notice करना है कि किस तरह की smell होती है जब इनको burn किया जाता है। तो after that आपको क्या करना है, एक woolen fiber लेनी है, woolen fiber का एक thread लेना है, उसको burn करना है। जब आप उसको burn करते हो तो आपको क्या check करना है, उसकी smell को check करना है, क्या ये artificial fiber की burning की smell जैसी है या फिर आपकी प्योर फाइबर की बर्निंग की स्मेल जैसी। तो जब आप वुलन फाइबर को बर्न करते हो, वुलन थ्रेड को बर्न करते हो, तो किस तरह की स्मेल मिलेगी, वैसी ही स्मेल आपको मिलेगी जैसी आपको तब मिली थी जब आपने जो नेचुरल सिल्क है जब आपने उसको बर्न किया था, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों ही आपके एनिमल फाइबर्स है और दोनों एक प्रोटीन से बने होते हैं। दैट्स वाई दे बोथ विल गिव यू द सेम काइंड ऑफ स्मेल। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक्टिविटी 3.7, कट आउट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। जो लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मोथ की, उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनकी पिक्चर्स को आपको कट करना है। कट करने के बाद आपको उन्हें जंबल्ड करना है। जंबल्ड करने के बाद क्या करना है, उनको करेक्ट सिक्वेंस में, करेक्ट जो साइक्लिक सिक्वेंस है उसमें आपको एक चार्ट के ऊपर उसे पेस्ट करना है। इसके अलावा आप जो लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मोथ की उसको खुद के वर्ड्स में डिस्क्राइब भी कर सकते हो, खुद के वर्ड्स में लिख भी सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिविटी नंबर 3.6 एंड 3.7। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सिल्क। किस तरह से आपके सिल्क की डिस्कवरी हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके चैप्टर 3 का जो लास्ट ब्लू बॉक्स है उसमें गिवन है। चाइना में एक एम्परर हुआ करते थे जिनका नाम था होंगटी और उनकी वाइफ का नाम था सी लुंगची। तो होंगटी ने क्या किया था, अपने गार्डन में एक जो मलबेरी ट्री है उसको ग्रो कर रखा था। सडनली उन्होंने नोटिस किया कि उसकी जो लीव्स हैं वो डैमेज हो रही हैं। तो उस डैमेज का पता लगाने का काम उन्होंने किसको दिया, उन्होंने सी लुंगची को इसका काम दिया। तो जब उन्होंने इसको फाइंड आउट किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो वॉर्म है वो मलबेरी लीव्स को खा रहा है और उसको डैमेज कर रहा है। तो उन्होंने उस वॉर्म को अच्छे से नोटिस किया तो उन्होंने क्या देखा कि दे वर स्पिनिंग ए शाइनी
फाइबर्स अराउंड देम, वो अपने चारों तरफ एक शाइनी फाइबर को प्रोड्यूस कर रहे थे। सडनली एक कुकुन जो है वो उनकी चाय में आके गिर जाता है, और जब वो उसको देखते हैं तो वो एक थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बेसिकली आपके सिल्क की डिस्कवरी हुई। इस डिस्कवरी को चाइना ने काफी सालों तक एक सीक्रेट के रूप में रखा, हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक उन्होंने इसको सीक्रेट बनाए रखा, ताकि ट्रेड में जो उनको प्रॉफिट होता है वो दूसरे देशों को ना हो, वो ही सिल्क को प्रोड्यूस कर सकें। और इसीलिए जो मैक्सिमम ट्रेड होता था सिल्क का वो चाइना से होता था, और आज भी उस पर्टिकुलर जो वे है, जो रूट है, उसको बोला जाता है सिल्क रूट, आप एसएस में इसको पढ़ेंगे। लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने सिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। इंडिया ने भी सिल्क को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। डिस्कवरी चाइना में हुई, चाइना सबसे ज्यादा सिल्क को प्रोड्यूस करता है, लेकिन सेकंड नंबर जो आता है वो हमारे देश का आता है इंडिया का सिल्क प्रोडक्शन में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सिल्क। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, विच इज फ्रॉम कुकुन टू सिल्क। तो किस तरह से कुकुन से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल सिल्क मोथ है वो मलबेरी लीव्स के ऊपर बहुत सारे एग्स ले करती है, बहुत सारे एग्स जो है वो प्रोवाइड करती है। उन एग्स को स्टोर किया जाता है क्लोथ की स्ट्रिप्स के अंदर, और उनको केयरफुली रखा जाता है। उसके बाद उनको बेच दिया जाता है डिफरेंट फार्मर्स को। फार्मर्स क्या करते हैं, उनको सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में रखते हैं, ताकि फिर उनसे लार्वा जो है वो प्रोड्यूस हो सके। लार्वा के प्रोड्यूस होने के बाद उनको बेम्बू की ट्रीज में रखा जाता है, जो बेम्बू ट्री की जो ट्रेज बनाई जाती है, उन ट्रेज के अंदर फ्रेशली चॉप्ड जो आपकी मलबेरी लीव्स हैं उनको रखा जाता है। और ये काम उसी टाइम किया जाता है जब ट्रीज के ऊपर फ्रेश लीव्स जो है वो आती हैं। तो फ्रेशली चॉप्ड लीव्स उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, 25 से 30 दिन तक लगातार वो उनको खाते रहते हैं और अपने साइज को ग्रो करते रहते हैं। इसके बाद वो स्टॉप कर देते हैं ईटिंग को, और जो बेम्बू ट्रेज हैं जिनमें उनको रखा गया है उनमें कुछ रैक्स बनाए गए होते हैं, वो उन रैक्स के अंदर मूव करते हैं और वहां पर कुकुन को स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं अपने चारों तरफ। और इस तरह से कुकुन की फॉर्मेशन होती है, लगातार वो कुकुन को स्पिन करते हैं और फाइनली उसके अंदर ही ग्रो करते रहते हैं और अडल्ट सिल्क मॉथ के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपके जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनको रियर किया जाता है लार्ज स्केल के ऊपर, सिल्क को गेट करने के लिए, कुकुन्स को गेट करने के लिए। तो नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। कुकुन की फॉर्मेशन के बाद बहुत सारे कुकुन्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उनको सनलाइट में रखा जाता है कुछ टाइम तक, या फिर उनको बॉइल किया जाता है। बॉइल करने के बाद उनसे सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है मशीन्स की हेल्प से। और ये जो प्रोसेस है टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कुकुन, दैट प्रोसेस इज नॉन एज रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क को मशीन्स की हेल्प से किया जाता है, और बाद में वो जो थ्रेड मिलता है उससे जो आपकी जो सिल्क फाइबर है उसको ऑब्टेन किया जाता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।